क्या आपके बच्चे के सर में भी कभी पपड़ी जमती है? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। जैसे सिर में पपड़ी जमने की बात जैसे मैंने कही, इसको हम मेडिकल भाषा में क्रेडल्स कैप भी कहते हैं। ये क्रेडल्स कैप या सेबोरिक डर्मेटाइटिस ये सिर में अमूमन बच्चों में पाई जाती है, जो कि 3 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे में मिलती है। और इसका प्रभाव जो है आईब्रोज के ऊपर, कान के पीछे या नाक के ऊपरी हिस्से तक भी हो सकता है। जैसा कि इधर आप देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं स्कैल्प में जो पाई जाती हैं, उसकी ओवर एक्टिविटी होने लगती है। ओवर एक्टिविटी होने की वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड्स ब्लॉक होती हैं, उसके चारों तरफ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो, और उसकी डेड स्किन निकलने नहीं पाती है, और ये स्केल्स के रूप में स्कैल्प में प्रेजेंट करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेडल स्कैल्प। और इसके कारण जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि ये है सेबेशियस ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी है। जैसा कि मैं एक स्किन के ऊपर मैंने बताया कि सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, और आप बगल में एक चार्ट में इसको देख रहे हैं। और जैसे ये अलग अलग एजेस में अलग अलग एरिया में पाई जाती है, और ज़्यादातर ये सिर में कम उम्र में पाई जाती है, यानी 3 महीने के बच्चे से लेके 1 साल तक के बच्चे में, तब क्रेडल स्कैप कहते हैं। अदरवाइज इसको आप एक्जिला में भी मिल सकता है, ग्रॉइन में मिल सकता है यानी कि जांघों के बीच में, या फिर कांख के अंदर, और या फिर ऐसी किसी जगहों पे जहां पर बच्चे के जॉइंट्स मुड़ते हों। लेकिन जो बच्चों में पाया जाता है क्रेडल स्कैप जिसको कहते हैं, वो यूजुअली सिर पे पाया जाता है। और इसका कारण मैंने बताया कि सेबेशियस ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि आप किसी माइल्ड शैम्पू से, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड हो या सल्फर हो या जिंक ऑक्साइड हो, उससे आप उसको वॉश करें हफ्ते में 2 बार, और तेल का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर यह प्रचलन है, या हर जगह ये प्रचलन है कि बच्चे के सिर में तेल की मालिश दिन में 2 या 3 बार की जाती है। सिर में तेल की मालिश करने से क्या होता है कि वह जो ऑलरेडी सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी चल रही है, उसका सीबम निकल ही रहा है, उसके साथ आप तेल भी डाल दे रहे हैं, तो फिर वह डेड स्किन निकलने नहीं पाती है, और वो जमा होके इकट्ठा होके क्रेडल स्कैप बनाती है। इसलिए अगर हम हफ्ते में 2 बार सिर को साफ रखते हैं, और फिर ये जो स्कैल्प के जो स्केल्स निकलते हैं इसको कभी नोचना नहीं चाहिए। जैसे कि अमूमन देखा गया है आउटडोर में औरतें आती हैं, माएँ आती हैं, वो स्कैल्प को नोचने की, ये जो स्केल्स निकलते हैं उनको निकालने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं, जिसकी वजह से वो स्किन इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम होने से कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है स्कैल्प का। इसलिए ऐसा ना करें, केवल हफ्ते में 2 बार आप किसी माइल्ड शैम्पू से उसको साफ करें। कभी कभी एक माइल्ड स्टेरॉयड लो डोज में कम दिन तक देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर 2 हफ्ते ट्रीटमेंट करने के बाद भी कोई असर नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट का असर दिखाई नहीं पड़ता या कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तब आप किसी चिकित्सक से भी मिलिए, और चिकित्सक से ये बताइए कि वह और भी कुछ क्या हो सकता है उसमें। जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस है, एलोपीशिया है, या और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए बाल रोग विशेषज्ञ से या किसी चमड़ी रोग विशेषज्ञ से, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि हमको ये पता लग जाए कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस ही है या कुछ और है। लेकिन इसके लिए केवल सेबोरिक डर्मेटाइटिस अगर है, क्रेडल स्कैप है, तो इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कोई भी सीरियस चीज़ नहीं है। ये बहुत ही माइल्ड सी एक बीमारी है, जो कि सफाई रखने से और बच्चे का सिर साफ रेगुलर करने से ख़त्म हो जाती है। क्या है कैरी होम मैसेज? यही है कि बच्चे को रोज़ नहलाएं, रोज़ उसको सिर से साफ करें, और उसके सिर में और बदन में किसी भी किस्म का तेल ना लगाएं। नमस्ते।